मिराज जल्दी से आओ, ये कचरा बाहर फेंको। ये पकड़ो और इसे टेबल पे रखो, जल्दी करो। ठीक लग रहा है ना ये? ओ, देखो तो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी दोस्त। ये तुमने ऐसी सूरत क्यों बनाई हुई है? बाजी ने मुझे पूछने भी नहीं दिया, कैसा रहा तुम्हारा दिन? मुझे नहीं पता यार, मैं समझती थी कि वो लड़का शायद सही होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल पागल है। समझा के थक गए लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता उसको। नहीं यार, मैं उसे सबसे महंगे स्टोर में लेकर गया था, लेकिन फिर भी उसकी कुछ समझ में नहीं आया, अजीब है। ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, बिलावाजी का शो ऑफ। और उसके बाद मुझे एक महंगे से स्टोर में ले गया। मुझे कहने लगा सब लड़कियों को ये ब्रांड पसंद आता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने मना कर दिया। मैं कसम खा के बता रही हूँ, ये उसकी गलती नहीं थी बल्कि उसके बाप की गलती थी। बच गई मैं, पागल था बिल्कुल। यार वो लड़की जरूर कोई गेम खेल रही है, कभी पैसों की बात करती है और कभी कहती है कि ये चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं। अरे यार उल्टा मुझे समझाने लगी कि तुम फजूल खर्च इंसान हो। एशली, हाँ मेरी जान, पागल मत हो ना, तुमसे कुछ कहना है। वो केनान, अरे भाड़ में जाए केनान यार, तुम उसके बारे में अब क्या सोच रही हो? उसने कहा क्या बताओ तो? जाने दो यार एशली, मैंने छोड़ दिया है, छोड़ चुकी हूँ मैं उसको, लेकिन उस वक्त वो फूल लेकर आया था, तो बताओ क्या हुआ? केबल, सॉरी सॉरी, एक और देना मुझे। ये पता है क्यों कर रही है? मुझे पता, सिर्फ मुझे जलाने के लिए। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह, और उस आदमी को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, और मैं अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे यार मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया? तुम्हें लगता है वो पछता रहा था? इधर देखो, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे, समझी तुम? हेलो, उस आदमी ने धोखा दिया है तुम्हें, और जिस दिन तुम उसको अपने माँ बाप से मिलवाने वाली थी, उस दिन तुमने उसको किसी और के साथ पकड़ा था। तुम अपने होशोवास में वापस आओगी प्लीज? यहाँ देखो मेरी तरफ। हाँ तुम ठीक कह रही हो एशली, ठीक कह रही हो, लेकिन ये वही आदमी है जिसे कल तक मैं शादी करना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक बटन होता, उसे मैं दबाती और भूल जाती, लेकिन अफसोस कि वो नहीं है। मेरी जान, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसा तुम उस आदमी को समझती हो वो वैसा है। तुम्हें उसे भूलना होगा और कोई रास्ता नहीं है। काश कि इतना आसान होता एशली। ख्वाहिशात को मारा नहीं जा सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। काश कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता और मैं केनान का इंतजार कर रही होती। मेरी जान मेरी बात सुनो, अब तुम्हें अब हालात का सामना करना है, इस बात को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना? शिमाल बेटी। बाबा जान। बेटी थोड़ा सा टाइम दोगी मुझे? बिल्कुल। बाबा जान सब खैरियत है ना? परी लग रही है मेरी बेटी। La 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 la